वेलकम फ्रेंड, आज हम जानेंगे निम्यूसुलाइड और पैरासीटामोल टैबलेट के बारे में, जो कि टू कॉम्बिनेशन मेडिसिन है। तो सबसे पहले हम जानेंगे इस टैबलेट के ब्रांड नेम के बारे में और इस टैबलेट के इस्तेमाल के बारे में और इस टैबलेट के साइड इफ़ेक्ट के बारे में और इस टैबलेट का इस्तेमाल कैसे करें, और सबसे लास्ट में जानेंगे इस टैबलेट की डोजिस के बारे में। तो चलिए अब हम जानेंगे निम्यूसुलाइड और पैरासीटामोल टैबलेट के बारे में। तो ये इसका जेनिक नाम है। अब इसके कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम के बारे में जानेंगे, तो जैसे कि सुमो टैबलेट, पोलामाइड टैबलेट, नीमिका प्लस टैबलेट, निमुलिड HF टैबलेट, नीसी प्लस टैबलेट, नोवोजेसिक पी टैबलेट आदि। और अब हम जानेंगे इस टैबलेट के इस्तेमाल के बारे में। तो इस टैबलेट का इस्तेमाल बुखार को ठीक करने के लिए किया जाता है और मांसपेशियों में दर्द होने पर भी इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है और सिर दर्द होने पर भी इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है और बदन में दर्द होने पर भी इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है और दांतों में या मसूड़ों में दर्द होने पर भी इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है और जोड़ों में दर्द होने पर भी इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है और टांगों में दर्द होने पर भी इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है और ऑस्टियोआर्थराइटिस मतलब कि जोड़ों में सूजन होना या जोड़ों में सूजन होने के कारण दर्द होना, इसको ठीक करने के लिए इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। और रूमेटाइड अर्थराइटिस मतलब कि ये एक गठिया का रूप होता है जिसके कारण आपके जोड़ों में दर्द होना, कमर दर्द होना और कलाई या गर्दन के जोड़ों में दर्द होने पर भी इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। और अब हम जानेंगे इस टैबलेट के साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो जैसे कि उल्टी होना, दस्त होना, मिचली आना, लीवर एंजाइमों में वृद्धि होना आदि। और अब हम जानेंगे इस टैबलेट का इस्तेमाल कैसे करें। तो इस टैबलेट को अपने डॉक्टर के अनुसार लें और इस टैबलेट को भोजन करने के बाद लेना चाहिए। और अब हम जानेंगे इस टैबलेट की डोजिस के बारे में। तो इस टैबलेट को एडल्ट के लिए दिन में 2 से 3 बार दिया जाता है और बच्चों में निम्यूसुलाइड 2 से 5 mg पर किलोग्राम बॉडी वेट के अनुसार और पैरासीटामोल 10 से 15 mg पर किलोग्राम बॉडी वेट के अनुसार दिया जाता है। दवाइयों के बारे में संपूर्ण जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।